ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका क्यों है आमने सामने। पीएलए ने ताइवान के इर्द गिर्द इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू किया। चीन ने ताइवान की राष्ट्रपति की अमेरिकी विजिट तुरंत बाद उठाया ये कदम। एक बार फिर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं और इसकी वजह है ताइवान। लंबे समय से दोनों देशों के बीच तकरार जारी है। चीन लगातार कुछ दिनों से अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, चाहे वो स्पाई बैलून हो या फिर दक्षिण सागर की कहानी। लेकिन इस बार की कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार चीन और अमेरिका ताइवान को लेकर आमने सामने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की अमेरिकी विजिट से ड्रैगन नाराज है और उसने अंजाम भुगतने तक की भी चेतावनी दे डाली है। साथ ही नाराजगी इतनी कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने ताइवान के इर्द गिर्द इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। बता दें कि ये मिलिट्री ड्रिल 3 दिन तक चलेगी। चीन ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की अमेरिकी विजिट तुरंत बाद ये कदम उठाया है। दरअसल 5 अप्रैल को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कैलिफोर्निया में स्पीकर मैकार्थी से मुलाकात की थी, जिस पर ड्रैगन ने सख्त आपत्ति जताई और भड़काऊ हरकत बताया। चीन ने फुजियान प्रांत के पिंगटन आइलैंड के पास 4 इलाकों में मिलिट्री ड्रिल शुरू की है, जो इलाका ताइवान के काफी करीब है। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि पिंगटन आइलैंड के इलाके में चीन के 8 और 42 फाइटर जेट्स दिखाई दिए हैं। 7 अप्रैल को ही चीन ने अपने 2 लड़ाकू विमान और शेंगडोंग समेत 3 वारशिप ताइवान के पास तैनात कर दिए थे। वहीं चीन ने इस अभ्यास को यूनाइटेड शार्प सॉर्ड नाम दिया है। ये मिलिट्री ड्रिल ताइवानी तट से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी की जा रही है, जिसमें असली हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज 10 अप्रैल तक चलेगी। बता दें कि चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे के बाद अब बेहद नजदीक पहुंच गया है। वहीं पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता सीनियर कर्नल शी यी ने कहा कि ये अभ्यास समुद्र और हवा में हमारे हथियारों की ताकत दिखाएगा। आइए जानते हैं कि चीन और ताइवान के बीच विवाद क्यों है। चीन और ताइवान के बीच क्यों है विवाद? चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। चीन ऐसा करके पश्चिमी प्रशांत महासागर इलाके में अपना दबदबा दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा, जिससे गुआम और हवाई जैसे अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका ताइवान के साथ अपने संबंध बेहतर करने पर लगा है। चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में हावी ना होने देने और दुनिया में अपना दबदबा कायम रखने के लिए अमेरिका ये सब कर रहा है। चीन का ताइवान के पास सैन्य अभ्यास करना, जिससे साफ प्रतीत होता है कि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिका के दौरे से ड्रैगन कितना ज्यादा बौखलाया हुआ है। ताइवान पहले भी कई बार चीन की ओर से इस तरह के सैन्य अभ्यास और खतरों का सामना कर चुका है। उधर अमेरिका भी ताइवान से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। बीते साल अमेरिका की तत्कालीन हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी, जिसके बाद से ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में लगातार बढ़ा रहा है संघर्ष। नैन्सी की यात्रा से अमेरिका ने ये दर्शाया है कि वो ताइवान को चीन से युद्ध छिड़ने पर हर मुमकिन सहायता देगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो चीन का वर्चस्व नहीं बनने देगा। दरअसल चीन कई बार ताइवान पर आक्रमण करने की भी कीदड़ भपकी दे चुका है। यहाँ तक कि वो ताइवान की सीमा लांघ कई बार सैन्य अभ्यास भी कर चुका है। लेकिन ताइवान से युद्ध चीन के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ताइवान भी ताकतवर देश है। ताइवान तकनीक और आधुनिक हथियार के मामले में काफी संपन्न है। लेकिन तमाम वाक्य के बाद अब सवाल ये उठता है कि हर बार की इस बार भी चीन ताइवान को कीदड़ भपकी ही दे रहा है या फिर सैन्य अभ्यास कर ताइवान पर चढ़ाई कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।